नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चित्रांजन जैन और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स इन एवरीडे लाइफ। और उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड एक्सप्लेनेशन। तो इसके अंदर हम जो ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को देखेंगे जो कभी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आ जाते हैं, या यूँ कहें कि एक न एक क्वेश्चन तो हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा इससे रिलेटेड। और इसके अंदर उन क्वेश्चनों को देखेंगे जो हमारे डेली लाइफ से भी जुड़े रहते हैं और जिनमें फिजिक्स के कोई ना कोई कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल तो होता ही है। तो चलिए शुरू करते हैं, ये पार्ट वन है, इस में चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अ मैन विद अ लोड ऑन हिज हेड जंप्स फ्रॉम अ हाई बिल्डिंग, व्हाट विल बी द लोड एक्सपीरियंस्ड बाय हिम। तो यानी कि कोई व्यक्ति है, उसने अपने सिर पर कोई वजन रखा हुआ है और वो एक ऊंची बिल्डिंग से जंप करता है, यानी कि कूदता है। उसके तो जो उसके द्वारा उस पर जो लोड रखा गया है, तो उसके लोड के द्वारा क्या एक्सपीरियंस किया जाएगा, मतलब लोड क्या लोड के लिए क्या एक्सपीरियंस होगा। तो उसमें जीरो रहेगा, सिंपल है। क्योंकि क्या है ना, क्या चूँकि जब कोई व्यक्ति ऊपर गिरता है तो उसमें सिर्फ एक एक्सीलरेशन ऑफ हिज फॉल इज इक्वल टू द एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। यानी कि अब जब कोई व्यक्ति गिरता है तो वो सिर्फ एक्सीलरेशन ऑफ द ग्रेविटीज के हिसाब से ही गिरता है, तो उसमें मास का कोई रिलेशन नहीं रहता है उस समय। यानी कि अगर कोई व्यक्ति कितनी भी, चाहे वो कितनी भी वजनदार हो चाहे कितनी भी हल्की हो, वो सेम स्पीड से नीचे आएगी, सेम स्पीड से गिरेगी नीचे। तो वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करती है, और जिसकी वैल्यू जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो इस तरीके से यानी कि सेम स्पीड से दोनों गिरेंगे। वाई इज स्प्रिंग मेड अप ऑफ स्टील एंड नॉट कॉपर। तो जो स्प्रिंग होती है वो स्टील की क्यों बनाई जाती है कॉपर की अपेक्षा, उसे कॉपर से क्यों नहीं बनाया जाता है। तो जो स्टील होती है उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, कॉपर की कम होती है स्टील की अपेक्षा देखा जाए तो। तो इसलिए जो जो इलास्टिसिटी है उसका कॉन्सेप्ट ही यही होता है कि किस कोई कोई चीज़ है या कोई वस्तु है, तो उसके द्वारा जब उस किसी फोर्स के कारण या स्ट्रेस के कारण अगर उसकी जो शेप है उसमें कोई अगर डिफॉर्म आता है किसी भी तरह का, तो जो उसकी एबिलिटी है कि वो अपना जो ओरिजिनल शेप है उसे रीग्रेन कर सके, तो वो ही उसकी इलास्टिसिटी कहलाती है। यानी कि द एबिलिटी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप इज नोन एज द इलास्टिसिटी। तो उसे ही हम तो इस कंडीशन में जो स्टील है उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है, तो इसलिए उसका स्प्रिंग में यूज़ किया जाता है। स्प्रिंग तो हम जानती हैं कि स्प्रिंग को हम किसी भी तरीके से खींचते हैं तो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाती है, जैसे ही हम उसे अपना फोर्स रिलीज करते हैं। तो उसी तरह इसी कॉन्सेप्ट पे अगला क्वेश्चन है, विच इज़ मोर इलास्टिक, रबर और स्टील। तो रबर या स्टील में कौन ज़्यादा इलास्टिक है। तो ऐसे हमें देखने में लगता है कि रबर ज़्यादा इलास्टिक है, स्टील कम होगी, लेकिन जो इसका सही आंसर है वो स्टील स्टील ज़्यादा इलास्टिक होती है रबर से। तो इसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मान लीजिए सेम स्ट्रेस लगाया जाता है रबड़ पे और स्टील पे, तो जो स्ट्रेस है तो अगर जो स्ट्रेस है तो उससे कुछ ना कुछ स्ट्रेन आएगा, यानी कि कुछ ना कुछ डिफॉर्म आएगा, अपने उनके शेप में परिवर्तन आएगा। तो वो उसी फोर्स में जो रबड़ है उसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर आ जाएगा, उसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन रहेगा, और जो स्टील है उसमें कम आएगा, काफ़ी कम आएगा रबड़ की अपेक्षा। तो जैसे ही उस स्ट्रेस को रिलीज़ किया जाएगा, उस फोर्स को रिलीज़ किया जाएगा, तो जो रबड़ है उसे एक समय लगेगा क्योंकि उसका स्ट्रेन ज़्यादा है उसे रिकवर करने में, और जो स्टील है उसका कम है, तो उसको जो अपना समय लगेगा या फिर उसका कम समय कम लगेगा, उसका एबिलिटी उसकी ज़्यादा रहेगी अपने ओरिजिनल शेप को रीग्रेन करने के लिए। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि स्टील ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है स्टील की एज कम्पेयर टू द रबर। और यहाँ पे एक स्टील का फॉर्मूला भी दिया गया है, स्टील इज इक्वल टू R1 अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेन से ही रिलेटेड होता इलास्टिसिटी मेनली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाई इट इज़ ईजियर टू स्प्रे वाटर टू विच सोप इज एडेड। तो यानी कि किसी पानी में अगर हम सोप को मिक्स कर दें तो उसको स्प्रे करना आसान क्यों रहता है। जैसे कभी कभी हम देखते हैं कि जो फुग्गे वगैरह भी बनाए जाते हैं, तो हालांकि ये फुग्गे से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी जो स्प्रे करते हैं, जो स्प्रे बोतल रहती है उसके उसमें देखा जाए तो उसमें अगर हम किसी पानी को अगर साबुन वाला पानी लेते हैं तो वो स्प्रे काफ़ी इजीली हो पाता है। क्यों हो पाता है? तो उसका कारण यह है कि एडिशन ऑफ सोप डिक्रीज द सर्फेस टेंशन ऑफ द वाटर। यहाँ पे गलत आ गया, एक्सटेंशन नहीं है वो सर्फेस टेंशन है। तो जैसे ही हम पानी में अगर सोप मिलाते हैं, जो सरफ वगैरह भी कुछ भी चीज़ मिलाते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो पानी का जो सरफेस टेंशन है वो काफ़ी गिर जाता है, कम हो जाता है।
तो उससे क्या होता है कि और जो स्प्रे की जो एनर्जी रहती है, यानी कि जितनी ताकत से वो दूर तक जाएगा, जो एनर्जी रहती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एज अ सरफेस टेंशन, यानी कि जितना ज़्यादा सरफेस टेंशन होगा उसकी एनर्जी उतनी ही कम रहेगी। इस टाइप से नहीं, सॉरी सॉरी, उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा रहेगी। तो इस तरीके, यानी कि हम जैसे सूप में अगर सूप में किसी भी तरह का मिला देते हैं, वो पानी में सूप किसी भी मिला देंगे तो उसका सरफेस टेंशन घटेगा, और सरफेस टेंशन के घटने के कारण जो उसकी स्प्रे स्प्रे का आसान हो जाएगा स्प्रे करना। सरफेस टेंशन देख लेते हैं कि सरफेस टेंशन क्या होता है, कि जैसे हम देखते हैं कि पानी की अगर कोई बूंद है तो उसका सेफ हमेशा स्पेयर रहता है, तो वो सरफेस टेंशन के कारण ही होता है। जो पानी की जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपना अपने एक साथ जुड़े रहना चाहते हैं और अपनी शेप में रहना चाहते हैं, तो उसी को सरफेस टेंशन फोर्स कहा जाता है। तो उसी इसी से रिलेटेड रहता है। और जैसे कि जो मच्छर वगैरह रहते हैं वो पानी पर अंडे देते हैं, तो वो सरफेस टेंशन के कारण ही दे पाते हैं, क्योंकि सरफेस टेंशन रहता है तो उससे वो डूबते नहीं हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा कि जो स्वाइन फ्लू वगैरह चलते हैं, तो वो सब कहते हैं कि आपने जो पानी इकट्ठा है घरों में, उनमें सरसों का तेल या फिर मिट्टी का तेल डाल के रखो, तो उनके डालने से भी जो सरफेस टेंशन है वो कम हो जाता है, और जो मच्छर वगैरह के जो अंडे रहते हैं वो उसमें पानी में डूब जाते हैं, या फिर मच्छर भी कोई बैठता है तो वो भी पानी में डूब जाता है और वो वहीं के वहीं मर जाती है। अ पीस ऑफ चॉक व्हेन इमर्ज्ड इन वाटर इमिट्स बबल बाय। तो अगर कोई चॉक का एक पीस है उसे पानी में डुबोया जाता है, तो उसमें से जो पानी में से बबल्स यानी कि जो एयर बबल है वो क्यों निकलती हैं, इसमें पूछा गया। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो निकलते हैं क्यों निकलते हैं ये देखते हैं। तो चॉक कंसिस्ट ऑफ पोर्स फॉर्मिंग कैपिलरीज। तो यानी कि जो चॉक रहती है उसके अंदर एक पोर्स रहते हैं, आप काफ़ी आसानी से देख सकते हैं, काफ़ी पोर्स रहते हैं, उसमें छोटे छोटे छिद्र रहते हैं। तो और उनके द्वारा जब उनसे क्या होता है कि उनमें जब पानी जाएगा तो उनमें जो कैपिलरी एक एक्शन बनेगा, यानी कि कैपिलरी बनेगा। कैपिलरी मतलब क्या होता है कि जब पानी ग्रेविटी के अपोजिट वर्क करता है, यानी कि अगर देखा जाए तो पानी ऊपर चढ़ता है अपने आप, तो उसे कैपिलरीज कहते हैं, कैपिलरी फोर्स भी कहते हैं एक्शन के लिए। तो जब हम चॉक को पानी में डुबोएंगे, जब उसे इमर्स्ड करेंगे, तो उससे क्या होगा, जो पानी है वो पोर्स जो उसके पोर्स हैं उनमें जाना शुरू कर देगा, उनमें अंदर जाएगा और एक कैपिलरीज फॉर्म करेगा। और जैसे जैसे कैपिलरीज फॉर्म करेगा तो जो चॉक है उसके अंदर जो एयर ऑलरेडी मौजूद है, प्रेजेंट है, तो वो बाहर निकलेगी। तो चूंकि वो पानी में बाहर निकलने के कारण वो पानी से बाहर निकलने की कोशिश बाहर निकलेगी, तो इस तरीके से हमें ऐसा लगेगा कि उसमें से एयर बबल बाहर निकल रहे हैं पानी में से। तो वो इसी इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर वर्क करता है। व्हाई डज अ लिक्विड रिमेन हॉट और कोल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम इन साइड अ थर्मोस फ्लेक्स। तो इसमें थर्मोस फ्लेक्स यानी कि कोई गर्म या खाना ठंडा रखने का जो डिब्बा रहता है, खाने का डिब्बा रहता है, उसे थर्मोफ्लेक्स कहा जाता है, या किसी भी तरह के बोटल्स वगैरह रहती है तो नहीं यूज़ किया जाता है। तो उसमें जो पूछा गया है कि अगर थर्मोस फ्लेक्स का यूज़ करते हैं तो खाना, कोई गर्म खाना है तो वो ज़्यादा लंबे समय तक गर्म कैसे रहता है, या अगर कोई ठंडा खाना तो वो ज़्यादा लंबे समय तक ठंडा कैसे रहता है। तो जैसे कि हम तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है, ये थर्मोफ्लेक्स होता है तो उसमें दो ग्लास लेयर्स बनाई जाती हैं, और उन दोनों ग्लास लेयर्स के बीच में गैप रखा जाता है। तो उससे होता क्या, और उस गैप में एयर्स को पूरी एयर भरी जाती है, एयर तो ऑलरेडी रहती है, उस एयर को भरने का स्पेस दिया जाता है। तो जो एयर रहती है, और एयर क्या होती है, एयर हम जैसे जानते हैं कि एयर क्या होती है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो पुअर कंडक्टर होती है तो उसके कारण क्या होता है कि अगर जो गर्म खाना है, जो एक ऊपर वाली जो ग्लास लेयर में जो हमने गर्म या ठंडा खाना जो रखा है, तो वो उसके जो आउटर लेयर से वो कांटेक्ट में नहीं आ पाता, और वो गर्म या ठंडा वो काफ़ी लंबे समय तक रहता है एज अ नॉर्मल कंडीशन की अपेक्षा देखी जाए। तो इसमें उसमें यानी कि जो एयर इज अ पुअर, जैसे कि हम जानते हैं कि एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कॉन्सेप्ट का यूज़ किया जाता है थर्मोस्फ्लेक्स में। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज अ बॉल बाउंस अप ऑन फॉलिंग। तो यानी कि जब हम कोई बॉल को गिराते हैं नीचे तो वो बाउंस अप क्यों करती है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कोई बॉल को गिराया जाता है, व्हेन अ बॉल फॉल्स इट इज टेम्परेली डिफॉर्म। तो जैसे ही किसी बॉल को गिराया जाएगा तो वो जैसे ही जमीन से टकराएगी तो वो डिफॉर्म हो जाएगी, यानी कि उसके शेप में फर्क आ जाएगा। ड्यू टू इलास्टिसिटी द बॉल टेंड्स टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप। तो चूंकि बॉल की कुछ इलास्टिसिटी भी होगी, उसकी इलास्टिसिटी के कारण जो बॉल है वो अपने रीशेप में जल्द से जल्द अपने रीशेप में आने का प्रयास करेगी, तो उससे एक फोर्स जनरेट होगा, और जो वो फोर्स या प्रेशर जो ग्राउंड को भी प्रेशर करेगा, ग्राउंड पर भी फोर्स डालेगा, और उस फोर्स के कारण बॉल दोबारा से बाउंस अप करेगी, यानी कि ऊपर उछल कर आएगी।
और चूंकि इसी टाइप का कुछ एक और कॉन्सेप्ट भी होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो जैसे अगर किसी पत्थर को भी अगर हम फेंकेंगे तो भी वो भी बाउंस यानी कि लौट के आएगा, लेकिन वो इतना ऊपर नहीं आएगा जितनी बॉल आएगी, काफ़ी काफ़ी कम एरिया में लौट के आएगा यानी कि बाउंस करेगा। तो इसमें क्या होगा कि जैसे कि न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है कि कोई अगर एक्शन है तो उसका रिएक्शन भी उतना ही होता है, तो इस तरीके से उसमें भी होता है। तो जो बॉल है तो बॉल में भी क्या होगा कि बॉल जैसी ज़मीन से टकराएगी तो एक एक्शन हुआ, तो ज़मीन का भी एक रिएक्शन रहेगा, और उसके अलावा जो बॉल की इलास्टिसिटी है उन दोनों के मिक्सअप के कारण जो बॉल है वो काफ़ी ऊपर तक बाउंस अप करेगी। वाइज स्टैंडिंग इन बोट्स और डबल डेकर बस नॉट अलाउड पर्टिकुलरली इन द अपर फ्लोर ऑफ द बसेस। तो जैसे कि बोट अगर कोई नाव है जो नाव में खड़े होने के लिए, या फिर कोई डबल डेकर बस है स्पेशली जो उसका अपर फ्लोर होता है ऊपर मंजिल होती है, तो उसमें खड़े होने के लिए क्यों मना किया जाता है? तो उसमें होता क्या है कि इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कारण मना किया जाता है। जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसकी हिले डुले ना एक ही जगह स्थिर रहे, क्योंकि अगर जैसे कोई अगर बोट में कोई व्यक्ति खड़ा है या डबल डेकर बस की अपर फ्लोर पर खड़ा है और काफ़ी ज़्यादा लोग खड़े हैं, एक लोग खड़ा है तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर काफ़ी ज़्यादा लोग खड़े हो जाएंगे तो अगर वो टिल्ट करेगी यानी कि अगर थोड़ा बहुत भी वो झुकेगी तो उसके कारण जो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो काफ़ी ज़्यादा लोअर पोर्शन में आ जाएगी, और जिसके कारण वो बस के ओवर टर्न यानी कि पलटने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगे बस या बोट के। तो इसलिए इसमें ऐसे खड़े होने के लिए मना किया था। अन्यथा ऐसा नहीं है कि खड़े होते ही बोट पलट जाएगी या बस पलट जाएगी, लेकिन उसमें क्या होता है कि अगर ज़्यादा लोग खड़े हो जाएंगे तो उसमें क्या रहेगी जो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसमें परिवर्तन आएगा, और उस परिवर्तन के कारण जब अगर वो बस या बोट थोड़ी सी भी झुकेगी तो उसमें उसके ओवरटर्न होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। वाई इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सी वाटर मोर देन दैट ऑफ प्योर वाटर? तो जो समुद्री पानी होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट शुद्ध जल से ज़्यादा क्यों होता है? सी वाटर कंटेन साल्ट एंड अदर इम्प्योरिटीज विथ डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स विच जॉइंटली रीज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो जो सी वाटर रहता है उसमें हमें पता है कि साल्ट भी रहता है, कई सारी इम्प्योरिटीज भी रहती हैं, तो जो प्रदूषण वगैरह इम्प्योरिटीज रहती हैं तो उनके कारण क्या होता है कि उनके कारण उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अलग अलग भी रहेगा, सबका अलग रहेगा, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। तो वो जॉइंटली उनका कह रहे हैं कि अगर पूरा टोटली देखा जाए तो वो एक बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देंगे पानी का जॉइंटली देखा जाए, तो इसके कारण जो सी वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा एज इन कम्पेयर टू प्योर वाटर, क्योंकि प्योर वाटर में तो पानी का ही अकेला बॉइलिंग पॉइंट रहेगा और बाकी सब में तो उन सबका बॉइलिंग पॉइंट जोड़ के जो जो जॉइंटली निकलेगा तो इस टाइप से बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, तो इसलिए सी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहता है। अगला क्वेश्चन है व्हाई इट इज़ रिकमेंडेड टू ऐड साल्ट वाटर इन वाटर वाइल बॉइलिंग ग्राम्स, यानी कि चने या किसी तरह की कुकिंग में ऐसा क्यों रिकमेंडेड किया जाता है कि हमें पानी को जब बॉइलिंग के दौरान पानी में थोड़ा सा नमक मिला देना चाहिए? तो जैसे कि अभी जो कॉन्सेप्ट हमने पहले भी पढ़ा कि अगर हम नमक को मिला देंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, और उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा तो उससे कुकिंग या बॉइलिंग आसान हो जाएगी। वाई इज सॉफ्ट आयरन यूज एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट? तो जो सॉफ्ट आयरन, तो सॉफ्ट आयरन एक अलग एक स्पेशल कैटेगरी होती है जिसके अंदर इसको स्पेशल तरीके से बना स्पेशल पर्पस के लिए बनाया जाता है, तो जिसके अंदर जो कार्बन कंटेंट है वो काफ़ी कम रहता है, और उसकी अगली उसी प्रॉपर्टीज़ पे जो क्वेश्चन है तो उसको देखते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में सॉफ्ट आयरन का यूज़ क्यों किया जाता है? तो मेनली सॉफ्ट आयरन को बना ही इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए जाता है। तो इसमें होता क्या है कि इसमें तो सॉफ्ट आयरन की एक प्रॉपर्टीज़ होती है कि वो बहुत जल्दी मैग्नेटाइज भी हो जाता है और बहुत जल्दी डीमैग्नेटाइज भी हो जाता है, तो इसी कारण उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट में यूज़ किया जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में जैसे कि हमें पता है कि अगर किसी कॉइल में करंट बह रहा है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, और अगर कहीं मैग्नेटिक फील्ड है तो उसके उसके भी चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक करंट बन जाता है। तो उसी में जैसे कि हमें पता है कि टरबाइन में भी इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ किया जाता है बिजली बनाने के लिए। तो इसमें भी यही होता है कि जब कोई मोटर वगैरह है या फिर कोई भी जैसे फैन वगैरह में जो मोटर रहती है उनमें भी क्या होता है कि जब कोल में करंट पास किया जाता है तो जो सॉफ्ट आयरन वो मैग्नेटाइज हो जाता है, उसमें मैग्नेटिक आ जाती है, और जैसे ही करंट को बंद किया जाता है यानी कि कोल में करंट का जो प्रभाव वो ख़त्म होता है तो वो हल्की हल डीमैग्नेटाइज हो जाता है, यानी कि उसमें जो करंटिक जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं वो ख़त्म हो जाती है और इस तरीके से वो अपना वर्किंग बंद कर देती है। तो इसलिए जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसमें सॉफ्ट आयरन उसमें ही स्पेशली यूज़ किया जाता है सॉफ्ट आयरन का, क्योंकि वो मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज बहुत जल्द हो जाता है, तो इसलिए इसका उपयोग किया जाता है सॉफ्ट आयरन का।
तो धन्यवाद दोस्तों, यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगे आने वाले वीडियो में हम इसके कई और पार्ट डिस्कस करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।